अब फ्रेंड्स हम देखेंगे वॉज टू और वर्ड टू का यूज। तो वॉज टू और वर्ड टू का यूज होता है पास्ट में अपनी कोई इच्छा बताने के लिए। जैसे मैं कुछ पास्ट में कहना था कि मुझे आम खाने थे, यानी सपोज दैट आम रखे थे या थोड़ा टाइम हो गया, फिर हम अपनी पास्ट की इच्छा को जता रहे हैं कि मुझे आम खाने थे पर मैं खा नहीं पाया। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं वो हम बनाते हैं वॉज टू और वर्ड टू का यूज करके। तो आइए देखते हैं वॉज टू और वर्ड टू। जब कोई काम अपनी इच्छा से करना था तब हम वॉज टू वर्ड टू का यूज करते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर, लास्ट में क्या आता है, ना थी ना थे और ना था, इस तरीके से वर्ड आते हैं। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज टू वर्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमको आम खाने थे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पास्ट की जो अपनी इच्छा है, डिजायर है, उसको हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो हमको आम खाने थे, कैसे बनेगा सेंटेंस, वी वर टू ईट मैंगोज। तो यहाँ वी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और वर्ड टू हमने लिया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट आपका हो गया मैंगोज, हमको आम खाने थे, वी वर टू ईट मैंगोज। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप सेंटेंसेस को इंग्लिश में फॉर्म करके, ट्रांसलेट करके आप उन्हें रिटन लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप उन्हें बोलने की प्रैक्टिस कीजिए अपनी डे टू डे लाइफ में। जब हम छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स अपनी इंग्लिश के अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करेंगे तभी हम इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था। तो क्या होगा सेंटेंस, आई वॉज टू गो होम। कई वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ गो और होम, इनके साथ जो है टू का यूज हम नहीं करते हैं, गो के साथ होम के लिए टू का यूज नहीं होता है। आई वॉज टू गो होम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे पैसे कमाने थे। तो ये सेंटेंस बनेगा, ही वॉज टू अर्न मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें आगरा जाना था। तो उन्हें के लिए हम क्या लगाएंगे, दे, यानी वे आगरा जाना था। उन्हें का मीन्स यहाँ पर क्या है, दे से, यानी वे से। तो दे वर टू गो टू आगरा, उन्हें आगरा जाना था। नेक्स्ट है, माधव को खाना खाना था। खाना यानी आपका कुछ भी हो सकता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। सो मैंने यहाँ डिनर यूज किया है, माधव वॉज टू ईट डिनर। दूसरा ऑप्शन मैंने बताया ही था कि ऐसे सेंटेंसेस को हम वॉन्ट टू का यूज करके बना सकते हैं, इस टू एम टू आर टू में भी, और यहाँ आपका हो जाएगा वॉन्टेड। जैसे सपोज दैट मुझे घर जाना था, तो आई वॉन्टेड टू गो होम, मैं घर जाना चाहता था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हो जाता है आपका वॉज टू और वर्ड टू का यूज। तो आप ऐसे ही और सारे सेंटेंसेस फॉर्म करिए और अपनी डे टू डे लाइफ में उन्हें यूज करिए।